तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एनिमल रिवॉल्ट बैटल सिमुलेटर का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि गॉडज़िला को जो ना स्टार वॉर वाले जो गाइस यहाँ पे वॉरियर्स थे गाइस, जिनके हाथ में लाइट सेबर थे, उन्होंने गाइस यहाँ पे हरा दिया था। एंड गाइस गॉडज़िला भी हार चुका है, तो नया एक वॉरियर गाइस यहाँ पे आ चुका है, ये मेका सर्पेंट। और गाइस इस मेगा सर्पेंट को हम लोग को जो ना गाइस आज हराना हमारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स और वॉरियर्स है। तो गाइस आज देखते हैं गाइस हम इस मेगा सर्पेंट को गाइस यहां पे हरा पाते कि नहीं। बाकी आज का एनिमल रिवॉर्ड बैटल सिमुलेटर का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस पहले अपन लोग जो है ना मेगा सर्पेंट का लुक देख लेते। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेका सर्पेंट जो ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। इसके मुंह के अंदर जो भी आएगा वो इसके मुंह के इसके जबड़े से जो ना गाइस बच नहीं पाएगा। और बाकी इसका जो भाई पूरा का पूरा शरीर है वो काफी ज्यादा लंबा है। इसकी पूछ आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैप से बाहर जा रही है। और गाइस इसके ऊपर कोई भी गाइस गन्स वेपन्स वेपन्स लगे हुए नहीं है। तो देखते हैं गाइस कि इसको जो ना गाइस कौन आ रहा पाता है। सबसे पहले तो मैं चेनसॉ वाला जो रेक्स है ना गाइस उसको यहाँ पे उतारना चाहूंगा। एंड गाइस देखते हैं गाइस कि हमारा चेनसॉ वाला जो गाइस रेक्स है वो इसको हरा पाता है कि नहीं। तो बैटल चालू कर दे, देखते गाइस क्या होता है गाइस। तो बैटल जो है ना सेम टीम में है क्या? ओ सॉरी सॉरी, टीम टू में ये लग रहा है गाइस। ओके सो टीम टू गाइस, ठीक है टीम टू अगर डाली जाए तो ये ऑपरेटिव हो जाता है। टीम वन डाल देता हूँ भाई, ठीक है। हाँ चलो रेडियो गाइज, रेडियो लेट्स गो गाइज। ओ यस ओके। अरे भाई इसने तो इसको पकड़ रखा है यार मुंह में अपने, देखना मुंह में पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। ये देखना इसको उठाने की कोशिश कर रहा है ऊपर भाई। यार इसका जबड़ा देखना, देखना जबड़े से कैसे पकड़ रखा भाई, उठा लिया ऑलमोस्ट भाई, ऑलमोस्ट समझ लो इसको हवा में उठाने वाला ही है भाई साहब। भाई 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 ये काफी ज्यादा खतरनाक फाइट गाइस यहाँ पे चल रही है। क्या ये मेगा सर्पेंट गाइस इस चेनसॉ वाले रेक्स को हरा पाएगा भाई? पता नहीं गाइस, ब्लीडिंग तो काफी ज्यादा तगड़ी वाली जो है ना गाइस चेनसॉ वाले रेक्स की हो रही है। और गाइस ये सर्पेंट मेका वाला जो है ना गाइस वो इसको मुंह में अपने पकड़ के, जबड़े में पकड़ के हवा में उठाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा जो रेक्स है गाइस चेनसॉ वाला वो यहाँ पे अपना बचाव कर ही नहीं पा रहा गाइस, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहा है भाई। मुझे पता नहीं गाइस अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ना गाइस इसको कच्चा चबा जाएगा मेका सर्पेंट जो ना गाइस हमारे चेनसॉ वाले रेक्स को। काफी ज्यादा घमासान युद्ध गाइस यहाँ पे चल रहा है। और देखते ओ भाई साहब कच्चा चबा गया और हवा में उठा के नीचे पुटक दिया गाइस इस मेका सर्पेंट ने गाइस चेनसॉ वाले रेक्स को भाई साहब। गाइस भले इसके पास कोई भी वेपन्स नहीं है, बट इसका जो मुंह है ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके जबड़े में एक बार अगर कोई फंस गया तो उसका जिंदा रहना मुश्किल नहीं ना मुमकिन हो जाता है गाइस। तो गाइस फर्स्ट बैटल तो गाइस हम लोग का यहाँ पे ये जो रेक्स है चेनसॉ वाला वो हार चुका है। बट देखते हैं गाइस की यहाँ पे होता क्या है गाइस, ठीक है देखते हैं गाइस की हम लोग इस सर्पेंट को यहाँ पे हरा पाते कि नहीं। वैसे गाइस इस सर्पेंट को जो ना गाइस मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे जो ना गाइस वो उतार देता हूँ गाइस, ठीक है थोड़ा सा आगे उतार देता हूँ ताकि जो ना गाइस मतलब एकदम हाँ अच्छे से जो ना गाइस इसकी पूछ बीछ हाँ एकदम ऊपर ही रहे और ये अपने अटैक जो ना गाइस अच्छे से कर पाए। और इसके अगेंस्ट अभी मैं जो ना गाइस उतारने वाला हूँ यहाँ पे किलर स्पाइडर क्वीन गाइस, ठीक है किलर स्पाइडर क्वीन जो है ना गाइस एक नया यूनिट है अपना। और इसको जो है ना गाइस हम लोग इस खतरनाक से मेगा सर्पेंट के अगेंस्ट उतारने वाले। आपने मेगा सर्पेंट को तो देख लिया, उसकी साइज तो देख ली होगी, और क्विलर क्वीन थोड़ी सी जो है ना गाइस छोटी साइज की है। बट इसको जो है ना गाइस ऐसे किलर स्पाइडर क्वीन नहीं बोला जाता गाइस। इसके जो है ना गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो मुंह में जो है ना गाइस काफी खतरनाक से वेपन्स लगे हुए हैं। और इसके पीठ के ऊपर आप जैसे कि देख ही सकते हो काफी खतरनाक एंड ओपी वाले जो है ना गाइस इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो देखते हैं गाइस कि ये खतरनाक सी जो किलर स्पाइडर क्वीन है वो यहाँ पे अपने से साइज में 10 गुना ज्यादा बड़े गाइस इस खतरनाक एंड डेंजरस से मेका सर्पेंट को हरा पाती कि नहीं। तो चले गाइस चालू कर देते फाइट बिना किसी देरी के। और गाइस ओ भाई ये ग्रैपल फेंक रही है, लेकिन ग्रैपल का भी यार इसने बूस्टर भी लगा दिए भाई साहब। लेकिन कोई भी लेजर अटैक गाइस, क्विलर गाइस भाई ये किलर स्पाइडर क्वीन लेजर अटैक भी कर रही है। बट क्या ये भाई हमारे मेगा सर्पेंट को मार पाएगी भाई?
लेजर देखना गाइस, लेजर से जो ना इसका आर्मर तोड़ने की कोशिश कर रही है, बट लेजर से गाइस आर्मर के ऊपर कोई भी असर अभी तक तो फिलहाल के लिए पड़ा नहीं है गाइस। बाकी गाइस ये जो ना गाइस अपने जबड़े से उसको मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट गाइस यहाँ पे किलर स्पाइडर क्वीन जो है ना गाइस ये बैटल इजीली जीत चुकी है, और गाइस मेका सर्पेंट गाइस फाइनली यहाँ पे हार चुका है। वैसे मेका सर्पेंट जो है ना गाइस किलर स्पाइडर क्वीन के सामने टिक नहीं पाया, और गाइस हमारी ये स्पाइडर क्वीन जो है ना इजीली जीत गई। वैसे गाइस यहाँ पे स्पाइडर क्वीन मारी जाती है, अगर इसके पास यहाँ पे ये लेजर जो है ना गाइस इसके नीचे लगा हुआ था लेजर एकदम, ये देखना मैं आपको रिसेट करके दिखाता हूँ। देखो इसके जो है ना गाइस पेट के नीचे ये देखो लेजर लगा हुआ था, अगर ये लेजर नहीं होता ना तो गाइस यहाँ पे ये स्पाइडर मारी जाती, लेकिन गाइस हमारा सर्वर गाइस यहाँ पे हार चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमारी किलर स्पाइडर क्वीन जो है ना गाइस वो विजेता साबित होती है। तो गाइस अभी जो है ना गाइस हम लोग क्या करेंगे, टीम जो है ना गाइस वो क्लियर कर देते हैं। वैसे गाइस यहाँ पे हमारा मेका सर्पेंट तो हार चुका है, लेकिन क्या मेका सर्पेंट गाइस यहाँ पे हरा पाएगा, खतरनाक एंड ओपी से गाइस यहाँ पे हमारे किसको उतार दूँ, गॉडजिला को, क्या लगता है आपको गाइस कि गॉडजिला को हरा पाएगा, देखते चलो गाइस कि गॉडजिला को मेका सर्पेंट हरा पाता है कि नहीं। रेडियो गाइस फाइट में चालू कर रहा हूँ गाइस, ठीक है भाई साहब काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। ओए व्हाट है भाई, सुबह सुबह क्या फूक क्या है गॉडजिला, अरे गॉडजिला के भाई पैर पे अटैक कर दिया इसने भाई, लेकिन ये गॉडजिला को पकड़ ही नहीं पा रही है, ये गॉडजिला को पकड़ ही नहीं पा रहा यार। मेका जो है ना गाइस हमारा सरपंच गॉडजिला को पकड़ नहीं पा रहा है, वो गॉडजिला का लेजर अटैक पता नहीं गाइस कहाँ जाता है भाई, भाई अपने टारगेट को छोड़ के हर जगह पे इसका जो ना गाइस लेजर, ओ भाई फट गया भाई एक लेजर में यहाँ पे इसने मेका सरपंच को हरा दिया। गाइस मेका सरपंच उतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक नहीं है गाइस, क्योंकि वो गॉडजिला से भी हार गया, और गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस वो जो है ना गाइस स्पाइडर से भी हार गया। मेरे दिमाग में भी एक प्लान आ रहा है गाइस, ठीक है क्यों ना गाइस हम लोग जो इस वाले राउंड का विजेता था फर्स्ट वाला जो कि था हमारा किलर स्पाइडर, उसको गॉडजिला के अगेंस्ट खड़ा कर दे, क्या बोलते हो कि किलर स्पाइडर गॉडजिला को हरा पाएगी, देखते चलो लेट्स गो बॉयज, मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके ग्रैपल तो भाई वर्क नहीं करा है, लेकिन लेजर अटैक शायद से गॉडजिला को बाहर यहाँ पे पड़ सकता है, और गॉडजिला अपने पैरों से इसको कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ये भी गाइस लेजर अटैक से इसका आर्मर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है स्पाइडर। गाइस स्पाइडर इस गॉडजिला का आर्मर लेजर से तोड़ पाएगी, देखते चलो काफी खतरनाक लेजर गाइस यहाँ पे गॉडजिला के पैरों के ऊपर मारे जा रही है स्पाइडर, और स्पाइडर के पीठ के ऊपर लगे हुए बूस्टर देख रहे हो गाइस, इसके पीठ में दो बूस्टर लगे हुए हैं जो इसको जो ना गाइस बूस्ट करके आगे धकेलने का काम कर रहे हैं। देखते क्या होता है भाई, लेजर अटैक से तो भाई इसका गॉडजिला का आर्मर गाइस टूट ही नहीं रहा भाई, गॉडजिला का आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका आर्मर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन गाइस हमारी जो स्पाइडर है वो जो ना गाइस उसको बाइट करके रखी है, और एक ही जगह पे लगातार लेजर मारी जा रही है, शायद से इसका आर्मर जो ना गाइस वो यहाँ पे टूट जाए, बोल नहीं सकते गाइस कुछ भी हो सकता है, और ये गॉडजिला को नीचे ढकेल रही है, इसकी जो बूस्टर है वो गॉडजिला को नीचे ढकेलने में इसकी स्पाइडर की हेल्प कर रहे हैं। गाइस क्या इसके बूस्टर के हेल्प के कारण ये गॉडजिला को मैप से बाहर निकाल पाएगी, लग तो रहा है गाइस। व्हाट वो विक्ट्री बोलते गाइस, यहाँ पे दोनों मारे गए, ठीक है दोनों नीचे गाइस गिर गए, बट गाइस पहले गॉडजिला नीचे गिरा एंड उसके पीछे हमारी स्पाइडर गिरी है, मतलब गाइस हमारी स्पाइडर जो है ना गाइस वो विजेता रही, और गॉडजिला जो है ना गाइस वो यहाँ पे वंस अगेन एक छोटे से स्पाइडर से हार चुका है। व्हाट भाई, विश्वास नहीं हो रहा कि स्पाइडर इतनी ज्यादा खतरनाक वाली है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक मुझे तो स्पाइडर लग रही है। वैसे गाइस मैं एक और काम यहाँ पे करना चाहूंगा, मैं जो ना कैसे भी क्या करूंगा बताए, स्टार वॉर वाले रोबोस लाइट सेबर से ये स्पाइडर कैसी बच पाती है देखते चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार वॉर वाले रोबोस वर्सेस एक खतरनाक सी किलर स्पाइडर रोबोट गाइस, ठीक है देखते गाइस की किलर स्पाइडर क्वीन यहाँ पे इन लोग को मार पाती है कि नहीं गाइस, ठीक है रेडियो चलो आ जाओ। ओ यस, ग्रैपल वर्क नहीं करे इनके ऊपर, बट लेजर अटैक ने मक्खन की तरह काट के रख दिया।
क्या स्टार वॉर वाले रोबोट अपने लाइटसेबर से कुछ कर पाएंगे? लग तो नहीं रहा गाइस कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सबका कचुंबर गाइस यहाँ पे बने जा रहा है। लेजर से जो ना गाइस मक्खन की तरह काटे जा रही है गाइस ये। भाई मुझे पता नहीं तीन चार रोबोट, भाई पांच रोबोट को गाइस अभी तक ये काट चुके हैं यहाँ पे। पता नहीं गाइस यहाँ पे क्या होगा। छह रोबोट को काट चुके, सबको काट दिया। व्हाट द, जीत गई गाइस, हमारी गाइस ये किलर रोबोट क्वीन जो ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक है यार, काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी ज्यादा इजीली जो ना गाइस ये यहाँ पे सबको यहाँ पे मार भी रही है। गाइस आपको ये हमारी किलर रोबोट स्पाइडर क्वीन जो है ना गाइस वो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस ये वाले बैटल के साथ ही ना हमारा ये वाला आज का जो एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है। मुझे लग रहा है ये स्पाइडर अनडिफीटेड रहने वाली है गाइस। मुझे लग रहा है कि ये नई जो है ना गाइस क्वीन बनने वाली है यहाँ पे। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि स्पाइडर को, रुक जाओ गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे स्पाइडर को जो है ना गाइस मैं थोड़ा सा अपना वाला अपग्रेड भी दे दूँ, क्या बोलते हो? ठीक है, मैं जो ना गाइस आपके सामने इसको जो ना गाइस अपग्रेड देने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं जो ना गाइस एक खतरनाक सा यूनिट यहाँ पे बनाने वाला हूँ एंड फ्लेम थ्रोर। वो 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 क्या गाइस, ये स्पाइडर यहाँ पे इन फ्लेम थ्रोवर्स के कारण और खतरनाक बन जाएगी। चलो देख लेते, मशीन गन्स लगाएंगे इसके ऊपर। रुको गाइस रुको, इसको और भी ज़्यादा खतरनाक गाइस मैं बनाने वाला हूँ और इसके अगेंस्ट जो ना गाइस मैं सारे रोबोट्स और दूसरे जो गाइस वॉरियर्स बिरियर्स होते हैं उनको उतारूंगा और देखते हैं गाइस कि मेरे स्पाइडर क्वीन को यहाँ पे कौन हरा पाता है। ठीक है, रुको, और कौन, प्लाज्मा, ओ शिट, प्लाज्मा कैनन तो इसके सर पे लगनी चाहिए। प्लाज्मा कैनन भाई, हाँ ये कलर की प्लाज्मा कैनन तो इसके सर पे लगेंगे भाई। भाई साहब लेट्स गो, रॉकेट लॉन्चर्स लगाने के लिए गाइस यहाँ पे। ओ भाई रुक जाओ, रॉकेट लॉन्चर जो है ना गाइस वो इसके पीछे पेट पे लगेंगे गाइस। ठीक है, पीछे पेट पे गाइस, क्या लग रहा है अभी कोई भी गाइस इसको यहाँ पे मार पाएगा? और क्या है भाई यहाँ पे, और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के गाइस यहाँ पे अपग्रेड्स है जिससे गाइस मैं इसको और भी खतरनाक बना सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतने से काम बन जाएगा। एक बार गाइस ये किस कौन से टीम में है वैसे, ये पता नहीं मेरे को ये कौन से टीम में। मैं एक बार जो है ना गाइस इसका सामना करा देता हूँ इस वाले रोबोट से। ठीक है, और टीम टू में डाल देता हूँ इस रोबो को। हाँ ठीक है, रेडियो गाइज, रेडियो ये देखना, सेम टीम में टीम वन में डालना पड़ेगा, रेडियो गाइज, रेडियो देखते हैं। वाह भाई तबाही मच गई यहाँ पे तो। अरे रॉकेट लॉन्चर, प्लाज्मा कैनन और पता नहीं क्या क्या और गाइज यहाँ पे यूज हो रहा है, लेजर यूज हो रही है। भाई गाइस ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही है यहाँ पे। भाई मुंह के अंदर धर के रख दिया है गाइस हमारी क्वीन को, बट क्या क्वीन यहाँ पे बच पाएगी इससे, पता नहीं, देखते चलो देखते हैं। अरे यार, ओह लेट्स गो बॉयज, क्वीन ने गाइस इजीली गाइस यहाँ पे मेका सरपट को हरा दिया है। वैसे भी ये जो अपग्रेड्स है वो थोड़े से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन मैं जो है ना गाइस यहाँ पे स्क्रीन को और पावरफुल ऑफलाइन में बनाऊंगा और आने वाले एपिसोड में आपको एक खतरनाक सा जो है ना गाइस मॉन्स्टर दिखने वाला है जो सबकी बैंड बजाएगा और उन मॉन्स्टर से हम लोग अलग अलग तरह के दूसरे मॉन्स्टर को बिड़ाएंगे और देखते हैं गाइस कि हमारे इस किलर मेका, एक्चुअली में इसका नाम है किलर, नाम क्या था भाई इसका, मैं नाम भूल गया, किलर स्पाइडर क्वीन गाइस। ठीक है, ये किलर स्पाइडर क्वीन जो है ना गाइस इसको देखते हैं गाइस कि कौन हरा पाता है। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये वाला एपिसोड जो है ना गाइस वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की बैटल और हमारी ये स्पाइडर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते जीत आपसे अगले एपिसोड में, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.